वेलकम फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको कुछ क्लीनिंग जो टूल्स होते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ। कुछ ऐसे टूल्स हैं जो काफ़ी वायरल हो रहे हैं आजकल, तो मैं उसका फुल रिव्यू आपको देने वाली हूँ। आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए ये भी मैं आपको बताऊँगी, यूज़फुल है या नहीं। तो फ्रेंड्स पूरा वीडियो देखिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह का मुझे कुछ रिसीव हुआ है। तो देखिए इस तरह की कुछ दो रॉडें हैं, इनको हमें आपस में अटैच कर लेना है। इसके लिए इन्होंने कुछ चूड़ी वगैरह जो होती है ना पाइप में वो दी हैं। और देखिए ये इसके ब्रसल्स हैं, देखने में तो ये मेटल के लगते हैं पर रियल में ये प्लास्टिक के हैं, जैसे हम लोग का कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना सेम वैसे ही। और देखिए इसको हमें यहाँ पर अटैच कर लेना है, इसी से ये इसकी जो स्टिक है वो रोटेट होती है। तो इसको मैंने अटैच कर लिया है, थोड़ा सा टाइट था, टाइट होना भी चाहिए क्योंकि अगर टाइट नहीं होगा तो ये बार बार निकल जाएगा। और देखिए पीछे का हैंडल भी मैंने अटैच कर लिया है, अब इसको हम फिक्स कर लेते हैं। और देखिए ये अब तैयार हो गया है और क्वालिटी वाइज फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा है। चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसा वर्क करता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि वायरल वीडियोज़ में ये काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है, जैसे कि कोई मैजिकल टूल हो, और गंदे से गंदा फ्लोर भी ये बहुत इजीली क्लीन कर ले रहा है। तो ये रियल में ऐसा है कि नहीं, चलिए इसको हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैं अपने फ्लोर को आपको साफ़ करके दिखाऊंगी। तो देखिए फ्लोर पे काफ़ी सारे स्टेन्स हैं और इस ब्रश की हेल्प से मैं इनको क्लीन कर रही हूँ, और बिल्कुल एफर्टलेसली ये क्लीन होते जा रहे हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। चलिए इसका वाइपर भी यूज़ करते हैं, और देखिए वाइपर काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। एक बार जहाँ से मैं वाइप कर ले रही हूँ वो फ्लोर एकदम से ड्राई हो जा रहा है, और देखिए कितना गंदा यहाँ पर निकला है। तो फ्रेंड्स साथ साथ जो हमारे स्कर्ट एरिया होता है फ्लोर का, इस पर काफ़ी डर्ट इकट्ठा हो जाता है डेली आप जब मॉपिंग करते हैं फिर भी। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो बाथरूम क्लीनर होता है ना वो लगा दिया है, और देखिए इसको मैं क्लीन कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट हैंडेड मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और मेरा फ्लोर एकदम से क्लीन होता जा रहा है, बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। और देखिए अब मैं अपने किचन में भी आ गई हूँ, और यहाँ भी मैंने काफ़ी सारा गंदगी इसमें से निकाल ली है। तो फ्रेंड्स आपको मेरा रिव्यू कैसा लगा? अगर आप लेना चाहें तो इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, प्राइस में थोड़ा छोटा है पर क्वालिटी वाइज काफ़ी अच्छा है, बिना एफर्ट के आप इससे अच्छे से घर की क्लीनिंग कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लीनिंग टूल को हम यहाँ पर ओपन कर रहे हैं। तो देखिए इस बॉक्स में से क्या क्या निकल रहा है मैं आपको सब कुछ डिटेल में दिखाने वाली हूँ। देखिए इस एक ही रॉड मिली है, एक ही रॉड है इसमें, दो रॉड्स नहीं है, और ये दो स्क्रब पैड्स हैं, ये हमारे क्लीनिंग के काम आते हैं, ये माइक्रोफाइबर के हैं। चलिए इस रॉड को ओपन करके दिखाते हैं ये किस तरह की है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ स्क्रू टाइप का दिया है, इसको हम लूज़ करते हैं तो ये रॉड एक्सटेंड हो जाती है, इसको आप काफ़ी लंबा कर सकते हैं, मतलब कि इसका साइज़ काफ़ी अच्छा बड़ा हो जाता है। तो ये चीज़ इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी है, रॉड की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। चलिए इसका ये जो मॉपिंग का ट्रायंगल है इसको भी हम खोल के देखते हैं ये किस टाइप का है। तो फ्रेंड्स इसकी शेप आपको ट्रायंगल तो दिख ही रही है, और इसमें ये पीछे एक ये हैंडल टाइप का है, ये 360 डिग्री रोटेट हो जाता है, और एक ये साइड में वाइपर लगा है। और देखिए ये जो पैड है ये रिमूवेबल है, और इसमें वेलक्रो लगा है, वेलक्रो से आप इसे अटैच कर सकते हैं, और इस वेलक्रो की क्वालिटी बहुत ही अच्छी लग रही है, बिल्कुल अमेजिंग सी है। और जो ये पैड है इसको आप वॉश कर सकते हैं। और फ्रेंड्स देखिए ये जो दूसरा वाला पैड है ये डस्टिंग के लिए है, और ये माइक्रोफाइबर का बना हुआ है, इसमें इस टाइप के कुछ लूप्स दिए हैं, आप इसमें अच्छे से इंसर्ट करके इसको इसमें अटैच कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। चलिए इसका जो रॉड है हम अटैच करते हैं। तो आगे वाला ये जो डार्क ब्लू था इसको हमें हटाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको अटैच कर पाएंगे, वरना ये अटैच नहीं होगा। इसके जो अंदर से स्पाइरल्स हैं वो काफ़ी अंदर दिए हुए हैं। लीजिए अब हमारा ये जो मॉप है ये रेडी हो गया है। फ्रेंड्स ये जो आगे माइक्रोफाइबर वाला है इससे आप अपनी वॉल्स वगैरह क्लीन कर सकते हैं, फैंस क्लीन कर सकते हैं, या आपको कहीं पर डस्टिंग करनी है और वो ऊपर की तरफ है तो रॉड को एक्सटेंड करके आप इससे डस्टिंग भी कर सकते हैं, और ये अच्छे से मूव करता है, आप इसको जिस साइड में चाहें अच्छे से रोटेट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, और जो दूसरा वाला है उससे आप ग्लास वगैरह क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए इसको मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
फ्रेंड्स इसका डिज़ाइन इतना स्लीक है कि ये सोफे के नीचे या किसी कवर वगैरह के पीछे भी इजीली चला जाता है। और देखिए इसका जो वाइपर है इसकी रबड़ भी काफ़ी अच्छी है और जहाँ से आप एक बार क्लीन कर देते हैं वो जगह एकदम से क्लीन हो जाती है। फ्रेंड्स ये वाला प्रोडक्ट मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा हार्डी नहीं है, जल्दी टूट सकता है, वैसे यूज़फुल है, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक ये फ्लोर क्लीनिंग शीट्स दिखा रही हूँ। इनको आप फ्लोर क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ से आपका फ्लोर एकदम चमकने लगता है और ये बिल्कुल केमिकल फ्री हैं। देखिए इस टाइप से ये शीट्स आती हैं, जैसे कि हमारा पेपर सोप होता है ना, सेम उसी की तरह है और काफ़ी थिक है ये और 30 पीसेज हैं यहाँ पर। इसको हमें संभाल के रखना है, अगर ये गिर जाएंगी तो तुरंत ही डिजॉल्व हो जाएंगी, इसलिए आप वन बाई वन निकाल कर ही यूज़ करिए। आप इसको पानी में छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से डिजॉल्व हो चुकी है। अब इसको आप जहाँ पे मॉपिंग वाला जो आपका वाटर होता है उसमें डाल दीजिए। डस्ट शीट को आप डायरेक्ट अपने मॉपिंग की जो आपकी बकेट है उसमें डाल सकते हैं और इससे अगर आप एक बार यूज़ करते हैं तो आपका फ्लोर बहुत ज़्यादा शाइन करने लगता है। इससे फ्रेंड्स आप केवल फ्लोर ही नहीं बहुत सारे आइटम्स क्लीन कर सकते हैं। अगर आपके घर में माइका वगैरह लगी है तो वो भी क्लीन कर सकते हैं। ग्लास भी इससे बहुत अच्छे क्लीन होते हैं और स्टेन्स तो बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ये। इससे आप केवल टाइल ही साफ़ नहीं कर सकते हैं, आप कुछ और एरियाज भी साफ़ कर सकते हैं, जैसे आपके डाइनिंग टेबल पर ग्लास लगा हुआ है या आपके घर में माइका वगैरह का वर्क हो रखा है या फिर आपने घर में पैनलिंग वगैरह करा रखी है तो वो सब भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये काफ़ी यूज़फुल शीट्स हैं, अगर आप इसको लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल वाइपर दिखा रही हूँ। ये मैं पिछले एक साल से यूज़ कर रही हूँ और इसका कुछ भी ख़राब नहीं हुआ है और इसके रिज़ल्ट से मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ, तो मैंने सोचा मैं आपको इसके जो रिव्यू है ज़रूर शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स इसको आप लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं, मैंने इसको विशाल मेगा मार्ट से लिया था। इसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, जैसे आजकल मैजिकल वाइपर चल रहे हैं सेम वैसे ही है। इसको आप यूज़ करिए, आपका वॉशरूम जो है एकदम फर्स्ट यूज़ में ही क्लीन हो जाता है। और ये जो मॉप होल्डर आप देख रहे हैं इसका रिव्यू भी मैं पहले कर चुकी हूँ, अगर आप इसको मॉप होल्डर को लेना चाहते हैं तो उसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए जैसे जैसे मैं फ्लोर क्लीन करती हूँ वो तुरंत ड्राई हो जाता है। अगर आपके घर टाइल्स लगे हैं तो ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। फ्रेंड्स ये तो हो गए क्लीनिंग टूल, पर मैंने एक प्रोडक्ट और मंगाया है तो मैंने सोचा इस वीडियो में मैं आपको वो प्रोडक्ट भी दिखा देती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए ये एक डबल साइडेड टेप है और इसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो मैंने सोचा आप भी इसको देख लीजिए। फ्रेंड्स एक डबल साइडेड टेप हम सभी को अपने घर में रखना चाहिए और मार्केट में जो टेप मिलते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं। ये बहुत ही सुपर है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा और इसी तरह की वीडियोस आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड्स चलते हैं इसी तरह के एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जल्दी ही वापस आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।